हरियाणा में सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में प्री बजट को लेकर बैठक हुई, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारा प्रयास ऐसा लोकतांत्रिक बजट बनाना है जिससे कि प्रदेश में सबकी भागीदारी से सबका विकास हो सके। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ अन्य मंत्रियों समेत प्रशासनिक सचिवों ने बजट पर अपने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। साथ ही साथ सीएम ने कहा कि पैसे की कमी की वजह से किसी भी योजना को रुकने नहीं दिया जाएगा। प्रदेश का चौमुखी विकास करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही साथ सीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों को अन्य विभागों पर विशेष ध्यान देते हुए कल्याणकारी योजनाएं बनाने के निर्देश दिए हैं। मित्रों, पिछले 3 साल से हम बजट से पूर्व या बजट के मध्य में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, जो भी विधायक सांसद या अलग अलग प्रकार से चर्चा में जिन लोगों को शामिल करना होता है, उनको हम बजट तैयार करने के लिए सुझाव मांगते हैं। उनके मूल्यवान सुझाव जो हैं बजट के अंदर कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सके, इसकी कोशिश करते हैं। उसी संदर्भ में इस बार सभी विधायक और सांसदों को पत्र लिखा गया है कि लिखित में वो अपने सुझाव भेजें, लेकिन आज सभी विभागों के हमारे सेक्रेटरीज और साथ में हमारा मंत्रिमंडल सब लोग साथ बैठे और लगभग 3.5 घंटे इस बैठक में हर विभाग की मोटे रूप से नए विषय क्या हो सकते हैं, क्या सुझाव आ सकते हैं, कौन सी स्कीम शुरू की जा सकती हैं, कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं। केंद्र का बजट चूंकि घोषित हो चुका है, वहाँ के एस्टिमेट्स, उसमें से भी कुछ चीज़ें ध्यान में आई कि इन चीजों को हम अपने आप बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा बजट पूर्व की एक प्रकार का ये परामर्श की एक बैठक थी, तो आज अभी परामर्श हुआ है। इसमें क्योंकि आपको पता है कि केवल परामर्श तक ये विषय था, कोई चीज निर्णय या कोई फाइनल ऐसी बात नहीं है। अभी इसी कड़ी में और भी कुछ ग्रुप्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग्स करेंगे, उद्योगपतियों की करेंगे, व्यापार के लोगों करेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट के हेल्थ के साथ जुड़े लोगों करेंगे, एजुकेशन साथ जुड़े लोगों करेंगे, सर्विसेज की करेंगे, एग्रीकल्चर की करेंगे। तो ऐसे सभी विभागों के साथ जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स हैं उन सब लोगों के साथ हम मंत्रणा करने वाले हैं। कल कैबिनेट मीटिंग है, बजट के सत्र की तिथि ये हम कल तय करेंगे कि किस दिन बजट सत्र शुरू होगा और फिर आगे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय किया जाएगा कि कितने दिन तक बजट का अधिवेशन चलेगा।